एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का मूड। मैं चित्रा त्रिपाठी अब आ गई हूं डेटा टेबल पर। फाइनल आंकड़ा बस कुछ ही पलों में आपके सामने रखेंगे। देश के बड़े राजनीतिक दिग्गज इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं नेहा के पास। शुक्रिया आपका चित्रा। देश का मूड आप देख रहे हैं और एक घंटे की चर्चा के बाद अब देश को इंतजार है फाइनल आंकड़े का। क्या कहता है देश का मूड? तो इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक जगत के दिग्गज मेहमान जुड़े हैं। आपका मैं उनसे परिचय करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से संजय झा हमारे साथ हैं। अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से सुनील साजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबसे चर्चा होगी देश का मूड क्या कह रहा है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए किसकी बन रही है सरकार बताएंगे आपको। सीधे चलते हैं चित्रा के पास डेटा टेबल फाइनल फिगर के लिए। बिल्कुल नेहा, सभी के जेहन में यही सवाल है कि अगर आज होते हैं चुनाव तो कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, किसको कितनी सीटें, किसको कितने वोट प्रतिशत। तो चलिए जल्दी से बिना वक्त गवाए यहां पर अपने दर्शकों को जानकारी हम दे देते हैं कि अगर आज होते हैं चुनाव तो देखिए किसको कितने वोट शेयर मिलेंगे। आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। यहां पर ये देखिए एनडीए के खाते में 38% वोट शेयर, यूपीए को 26% और अन्य को 36% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों को हम बता दें कि पूरे 543 सीटों पर हमने ये सर्वे किया है जिसमें एनडीए 38% वोट शेयर के साथ बाजी मारता हुआ। आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी को 2014 में 31.34% वोट शेयर मिले थे जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो 19.52% वोट शेयर था। और ये अगर आज होते हैं चुनाव तो ये कहता है आंकड़ा 38% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ, 26% यूपीए के, 36% अन्य के खाते में, यानी कि राहुल गांधी के अगुवाई वाला जो यूपीए है वो तीसरे नंबर पर क्षेत्रीय दल बाजी मारते हुए दूसरे नंबर के साथ, जबकि सबसे ज्यादा पहले नंबर पर एनडीए 38% के साथ। और इस लिहाज से अगर सीटों का बंटवारा होगा तब क्या होगा, सबसे बड़ा सस्पेंस सीटों को लेकर, क्योंकि बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। और ये देखिए किसको कितनी सीटें मिलेंगी आपके सामने। अब ये आंकड़ा एनडीए को 300 सीटें, आपको बता दें 272 चाहिए बहुमत की सरकार के लिए। और यहां पर कहीं ज्यादा आगे बढ़ता हुआ एनडीए 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी यहां पर बाजी मारते हुए, जबकि यूपीए के पास सिर्फ 116 सीटें और अन्य के खाते में 127 सीटें जाती हुई। जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं बीजेपी को इन 300 में से 270 सीटें मिल रही है अगर आज होते हैं चुनाव, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें जिसको 2014 में 44 सीटों पर जीत मिली थी 89 सीटें उसे मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो नेहा ये बड़ी तस्वीर, ये बड़ा आंकड़ा जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किसको कितनी सीटें, 300 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई, 282 सीटें बीजेपी को मिली थी 2014 में, 336 मिली थी 2014 में एनडीए को, लेकिन अब वो 36 सीटें घटती हुई 300 सीटें, लेकिन पहले नंबर पर एनडीए। और यहां पर इन आंकड़ों से यह साफ हो जाता है कि सरकार मोदी की अगुवाई में नेहा बीजेपी प्लस एनडीए बनाता हुआ इन आंकड़ों के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये डेटा सेंटर से चित्रा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहुंचा रही है। देश का मूड ये कह रहा है कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव देश में हो जाए तो 300 सीटें एनडीए को मिल रही है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, 300 सीटें मिल रही है, यानी मोदी लहर 2014 की तरह बरकरार दिख रही है। 2014 के मुकाबले 36 सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन 300 सीटों के साथ एनडीए आज की तारीख में भी सरकार बना रही है और मोदी लहर बरकरार दिख रही है। इन 300 सीटों में 300, जी हाँ, ये आंकड़ा एनडीए का पहुंचता हुआ, यूपीए 116 पर सिमटता हुआ, अन्य के खाते में 127 सीट जाती हुई, ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर है। ये देश का मूड लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले। आइए इस बड़ी तस्वीर पर अपने मेहमानों से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूं। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई वार किए गए हैं, राफेल, सीबीआई, महंगाई, हर मोर्चे पर कांग्रेस ही नहीं पूरा विपक्ष आप लोगों की घेराबंदी कर रहा है। एनडीए के भीतर से भी आपको विरोध देखना पड़ रहा है, बावजूद इसके आज की तारीख में एनडीए की अगर 300 सीटें आ रही हैं जिसमें बीजेपी की 270 अपने दम पर, इसकी एक बड़ी वजह सुधांशु जी आप क्या मान रहे हैं? देखिए नेहा जी, मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को देखिएगा 300 सीटें मिलेंगी और एनडीए को दो तिहाई बहुमत मिलेगा। उसके पीछे हमारा आधार है, दो आधार है। पहली बात,
आज से पहले जितने पिछले 7-8 साल के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण देख लीजिए, केवल अपवाद स्वरूप 2015 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव छोड़ दें, तो चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों ने जितना भी अनुमान भाजपा के पक्ष में लगाया है, अंतिम परिणाम उससे कहीं ज़्यादा था, जिसका अभी हालिया उदाहरण है। कर्नाटक में हमें कोई 60-65 सीटें ज़्यादा नहीं दे रहा था, 70 से ऊपर कोई नहीं दे रहा था, हम 104 जीत के आए थे। और इसके अलावा जितने भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वो सारे के सारे उदाहरण आपके सामने। दूसरा, ये जो आपका सर्वेक्षण है, इसका कालखंड पिछले 2-3 हफ्ते या 1 महीने का रहा होगा। ये वो कालखंड है जब 4.5 साल में अस्थायी रूप से तात्कालिक परिस्थितियां हमारे सर्वाधिक विरुद्ध थी। पेट्रोलियम के दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे थे, जातिगत वैमनस्य और अन्य प्रकार की चीजें पैदा करने का विपक्षियों का जो प्रयास था, जो टेम्परेरी था, वो सेटल हो रहा है, वो भी उसी समय चरम के ऊपर था। तो मैं मानता हूं यदि इस विपरीत परिस्थितियों में हमें इतना आपकी सर्वेक्षण दिखा रहे हैं, तो जब यथार्थ आएगा चुनाव परिणाम का, तो इससे कहीं बेहतर होगा। और कारण उसका साफ है, मोदी सरकार की साफ नीयत और सर्वस्पर्शी सबके विकास की योजनाएं और सबके विकास। सुधांशु जी, मैं आपको बता दूं और अपने सभी में जो मेरे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़े उन्हें बता दूं, हमारा ये जो सर्वे है सितंबर के 4th महीने से लेकर के अक्टूबर के 4th महीने तक किया गया है। बड़ी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। संजय झा, कांग्रेस को क्या हो गया है? राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करके चोर तक बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता बिच्छू से लेकर डेंगू मच्छर तक कह रहे हैं। आपको लग रहा है संजय झा कि इस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी की जनता को रास नहीं आ रही, और यही वजह है कि 116 पर सिमट रही है यूपीए? नेहा जी, जब हम कहते हैं या श्री राहुल गांधी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो ये सच्चाई है, क्योंकि राफेल घोटाले में नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के लिए ढेर सारे भारत के आवाम के पैसे उन्होंने अनिल अंबानी के पॉकेट में डाले हैं, और ये 1,71,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये छोटा मोटा ये चोरी नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है ये। अब आपके आपने जो भी सर्वेक्षण किया है उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं आपके सर्वे का मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मुझे आप जब ने नतीजे बताए कि बीजेपी को 270 सीट मिलेंगे, तो मुझे ये डॉन पिक्चर, बड़ा लोकप्रिय पिक्चर है, उसका एक हमको संवाद याद आ रहा है। ये मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है, और मैं बताता हूँ क्यों। आप दिसंबर में जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, वो तो कुछ हफ्तों की बात है, आपको मालूम हो जाएगा कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। मतलब आप ये तो मान रहे हैं ना संजय झा जी कि आज की तारीख में मूड ऑफ द नेशन एनडीए के साथ है। आप दिसंबर का इंतजार जरूर कर रहे हैं, दिसंबर के बाद तस्वीर क्या होगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन आज की तारीख में आपको लग रहा है कांग्रेस लूज आउट कर रही है, जिस तरह 116 सीटों पर यूपीए आके टिक जा रही है। देखिए, मैं आपको नेहा जी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखिए हम लोग आंकड़े को समझते हैं, हम लोग बहुत इन सब चीजों पर हर रोज विश्लेषण करते हैं। हम आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत में एक नया प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होगा, वो शपथ ग्रहण करेगा मई के महीने में। आप इंतजार कीजिए, भारत को एक नया प्रधानमंत्री। मैं जल्दी से इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जेडीयू से मौजूद हैं और जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। डॉक्टर अजय आलोक, संजय झा को आपने सुना, किसी भी तरह से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि 116 पर आकर यूपीए की गाड़ी रुकेगी। वो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मई में देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए नेहा जी, लोकतंत्र है, दिन में सपने देखने भी, बिना सोए हुए भी सपने देखने की पूरी आजादी है लोगों को। विश्लेषण ये करें कि 116 और अन्य जो आप 126 मिला दे रही हैं, उसको भी मिला लीजिए, सब भी सरकार नहीं बना पाएंगे, और कह रहे हैं कि देश नया प्रधानमंत्री जो नॉन बीजेपी का होगा, तो उसी से सोच लीजिए कि सपने कितने बड़े बड़े हैं। बहरहाल, देश का मूड बड़ा स्पष्ट है और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, 300 की संख्या बढ़ती चली जाएगी अगले अप्रैल मई तक जब नतीजे आएंगे, क्योंकि एक बार जब ट्रेंड पकड़ता है ना, तो ट्रेंड पकड़ने के बाद फिर रेस पकड़ता है, तो अभी रेस होना शुरू होगा, चिंता मत कीजिए, ये आंकड़ा हमारा आराम से 350 क्रॉस करेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।